हमको सोचना सही है, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। देखिए, हमारे मन में 50,000 से 60,000 थॉट्स रोज आते रहते हैं। कंटिन्यूअस ऑटोमेटिक थॉट्स हमारे मन में चालू रहते हैं। वो कुछ थॉट्स हम लाते नहीं हैं, मेरे थॉट्स मैंने लाता हूं, वो थॉट्स ऑटोमेटिक आ रहे हैं, कंटिन्यूअस आ रहे हैं। जितने ज्यादा थॉट्स आएंगे उतनी उसकी क्वालिटी कम होती रहती है, अच्छी क्वालिटी नहीं रहती। बुरे ज्यादा होंगे, खराब थॉट ज्यादा होंगे, फालतू के ज्यादा होंगे, अच्छे थॉट्स बहुत कम आएंगे। आपको यदि थॉट्स अच्छे क्वालिटी के होना है तो आपको सेल्फ रिलैक्सेशन सीखना पड़ेगा, हिप्नोथेरेपी सीखना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन सीखना पड़ेगा, जिसमें आप सेल्फ हिप्नोटाइज होते हो। हमको ये थॉट्स अच्छे क्वालिटी के लाना है, कम लाना है, तो हमको सेल्फ हिप्नोसिस सीखना पड़ेगा, सेल्फ रिलैक्सेशन सीखना पड़ेगा, सेल्फ विजुअलाइजेशन सीखना पड़ेगा। और वो यदि हम करते हैं तो हमारे थॉट्स अच्छे क्वालिटी के होंगे और थॉट्स कम होंगे। नींद में भी हमारे थॉट्स कम रहते हैं, एक्चुअली नींद में भी थॉट्स चालू रहते हैं। वो वेव्स जो है थॉट्स की, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस थॉट्स के, या जो भी है न्यूरॉन्स, वो चालू रहते हैं, इसलिए सपने आते हैं हमको। तो वो थॉट्स नींद में कम होते हैं, मगर बाकी अदरवाइज हमको थॉट्स चालू रहते हैं। मगर हमारे थॉट्स जो है वो बाहरी चीज क्या हो रही है उसके ऊपर डिपेंड है। हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, हरदम हमारे थॉट्स बाहर क्या हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। देखो, बाहर लाइफ सर्टन नहीं है, लोग रिश्ते में उलझे हैं, लोग कमाई करने में उलझे हैं, लोग कोरोना में उलझे हुए हैं, लोग रिश्तों में उलझे हुए हैं, कितना सारा प्रॉब्लम बाहर है, लोग सर्वाइवल में उलझे हुए हैं, कितनी सारी सिचुएशंस रोज बदल रही है। तो हमारे थॉट्स क्या फिर उसके मुताबिक बदलते जाएंगे? मगर वही हो रहा है ना कि हमारे थॉट्स सिचुएशन के मुताबिक बदलते जाते हैं और हमारे थॉट्स फिर कंट्रोल में हमारे रहते नहीं है। हमको लगता है कि बाह्य जीवन जब अच्छा हो जाएगा तब तो मैं सुख समाधान पाऊंगा, तब तो मेरे थॉट्स अच्छे रहेंगे, मगर बाह्य जीवन जो है, सिचुएशन जो है, वो ऑल्टर होने वाली है नहीं। ये कैसा होगा कि हमारे थॉट्स बाहर के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं है। बाहर कुछ भी हो जाए, दंगा हो जाए, करोड़ों का नुकसान हो जाए, भूकंप हो जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, कोई किसी का मृत्यु हो जाए, मगर हमारा थॉट्स या हमारे थॉट्स जो है वो उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं है। कितना आसान होगा ये, कितना लाइफ अच्छा होगा, क्योंकि थॉट्स ये फाउंडेशन है और उसके ऊपर बिल्डिंग है। कोई देखो, बिल्डिंग है उसका फाउंडेशन है, उसके ऊपर बिल्डिंग रहती है। वैसा हमारा थॉट जो है वो यदि पक्के रहे, वो यदि पॉजिटिव रहे, तो उसके ऊपर हमारी बिल्डिंग जो है लाइफ की वो हम अच्छी बना सकेंगे। तो क्या हम ऐसा कर सकते कि हमारे थॉट्स बाहरी चीज के ऊपर डिपेंड ही नहीं है? हमको ऐसा लगता है कि मैं खुश हूं क्योंकि आज पास हो गया, या आज पैसा मिल गया, आज उसने अच्छा बर्ताव किया। मैं ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि ऐसा हो रहा है, मतलब मैं ठीक नहीं हूं क्योंकि ऐसा है, मैं खुश हूं क्योंकि ऐसा है। मतलब हमारा जो मूड्स है, फीलिंग्स है, थॉट्स है, वो सब डिपेंड कहाँ है? बाहरी चीज के ऊपर डिपेंड है। बाहर क्या हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। हम देखते हैं कि हमारे थॉट्स सब बाहर चीज के ऊपर ही डिपेंड है। अभी वो यदि हम प्रेजेंट हो जाते हैं कि नहीं, मेरे थॉट्स जो है वो मेरा चॉइस है, बाहर वास्तविकता कैसी भी हो जाएंगी, बाहर की सिचुएशन कुछ भी हो जाए, सिचुएशन कुछ भी हो जाए, मैं बिल्कुल स्टेबल रहूंगा, मेरे थॉट्स मैं क्रिएट करूंगा, मेरे थॉट्स पॉजिटिव रहेंगे, मैं उसमें पॉजिटिव देखूंगा, ना मैं विचलित होऊंगा, ना मैं इमोशनली डिस्टर्ब होऊंगा, मगर मैं पॉजिटिव उसमें से क्रिएट करूंगा, थॉट्स मेरे पॉजिटिव रहेंगे, ये जिंदगी कैसी होगी, ये हमको देखना है। यदि हम हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस हम क्रिएट करेंगे, हम तैयार करेंगे, तो फिर वो कोई भी सिचुएशन हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। मैं खुश हूं क्योंकि ऐसा है, मैं दुखी हूं क्योंकि ऐसा है, मैं परेशान हूं क्योंकि ऐसा है, ऐसा ना करते हुए बाहर की सिचुएशन कुछ भी हो, मैं जैसा हूं वैसा हूं, मेरे थॉट्स, मेरे इमोशंस, मेरी कंडीशन, मेरी हालत, ये मेरा चॉइस है, ये जीवन हमको क्रिएट करना है। और ये जीवन मैं यदि क्रिएट कर सकता हूं तो कुछ भी जिंदगी में हो जाए, 24/7 मैं खुश रह सकता हूं, क्योंकि खुश रहना, अच्छे थॉट्स पैदा करना, ये मेरा चॉइस रहेगा। तो हमारी जिंदगी हमने क्रिएट करना है, हमारे थॉट्स हमने क्रिएट करना है, हमारे फीलिंग्स हमने क्रिएट करना है, क्योंकि वो मेरा चॉइस है। मेरा रिमोट कंट्रोल मैं सिचुएशन के हाथ में दूंगा नहीं, मैं सिचुएशन का गुलाम बनूंगा नहीं। इस तरह से हमको जीवन जीने का है। हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगे, डॉक्टर केयर नाम का, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिएगा।
और ये वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।